हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे अपने जरबेराज दिखाऊंगी। मैंने अपनी अभी मेरे ख्याल लास्ट मंथ की गार्डन शॉपिंग में आपको दिखाया था कि मैंने जरबेरा के छोटे छोटे प्लांट्स खरीदे थे, और आपके सामने ही मैंने शायद उसको रिपोर्ट भी किया था बाद में। हाँ, रिपोर्टिंग की भी वीडियो डाली थी मैंने उनके। तो आप देखिए, आज इन जरबेराज में 17 फ्लावर्स आए हुए हैं टोटल। तो मैंने सोचा कि ये आपको जरूर दिखाने चाहिए। आज दशहरा का दिन है, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपको अपने जरबेराज दिखाती हूँ, और साथ में कुछ और भी जो आज थोड़े बहुत ब्लूम्स हैं वो दिखा दूंगी आपको मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आप भी काउंट करिएगा जरबेराज मैं दिखा रही हूँ। ये येलो और ऑरेंज में है। देखिए, इस प्लांट में 3 फ्लावर्स आए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। और येलो वाले में देखिए 2 फ्लावर्स आए हुए हैं, ये एक और लाइट येलो है, ये पीच कलर है शायद, ये पीच कलर का है, और एक ये पिंक है। ये सुबह बिल्कुल खिला हुआ था, ये शायद अलग वैरायटी हो शाम को। अभी 6 बजे हुए हैं इस टाइम हमारे यहाँ, 6 PM। तो देखिए, ये सुबह दोपहर में ये खिला हुआ था जब मैं ऊपर आई थी। अभी ये बंद है ये वाला, और ये कल तक खिलेगा। जरबेरा का फ्लावर एक बार खिल जाए तो ये रहता है, काफी दिन रह जाता है, ये हफ्ता 10 दिन तक भी रह जाता है। और ये वाला भी हाफ ओपन है, और ये देखिए कि ऑरेंज है, ये भी कल तक शायद खिल जाए। ये देखिए ऑरेंज है, या पता नहीं क्या कलर है इसका, रेडिश है कुछ इस टाइप का, जो आप देख रहे हो वही कलर है। और वो देखिए, ये देखिए, ये वाले फ्लावर्स तो इतने ज्यादा हैवी हैं कि ये इनकी डंडियां भी मुड़ जाती हैं। जैसे प्लांट को थोड़ा सा पानी एक दिन देर हो जाए डालने में और पौधा मुरझाए, तो ये फ्लावर भी ऐसे नीचे गिर जाते हैं। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एक गिर गया है, और इसको फिर अब इसकी डंडी बीच में से बेंड हो गई है। देखिए, इसको मैं स्टेक कर रही हूँ, फिर भी इससे बांध दूंगी स्टेक से इसको मैं ऐसे। ये पानी देने में थोड़ी सी देर हो ना, तो ये यहाँ से देखिए डंडी इसकी मुड़ती है, तो ये देखिए यहाँ से डंडी को बेंड आ जाता है इसके, तो ये फिर बेंड ही रह जाता है, फिर ये गिरे जा रहा है बार बार। जैसे देखिए ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला ये हैवी होता है, तो जिस दिन एक दिन थोड़ा पानी, इसलिए इसका पानी का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ से ऐसे वेट होता है, तो यहाँ से ये बेंड हो जाता है। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये तो पुराना हो गया है फूल, और ये नए खिल रहे हैं देखिए। और थोड़ा पुराना हो जाता है तो थोड़ा उसमें स्टॉक में ताकत कम रहती है। और एक ये है देखिए, वो ये गिरे जा रहे हैं देखिए, इनको मैं बांधूंगी अभी। और तो ये देखिए, आपने काउंट किए होंगे कि कितने फ्लावर्स हैं, ये 1, 2, 3 सारे फ्लावर्स हैं। इस एक प्लांट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फ्लावर्स हैं इस एक में। मतलब ये 2 तो कल तक खिलेंगे, ये भी परसों तक खिल जाएगा शायद। इनको काउंट करके 7 फ्लावर्स एक प्लांट में है ये। और इसी में से देखिए, मैंने ये बेबी प्लांट सेपरेट किया था, इसमें भी देखिए ये 2 फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखिए सेम फ्लावर है, ये मैंने इसी में से अलग किया था, और वीडियो भी डाली थी अलग करने की। तो अभी इसमें नहीं है, ये मजेंटा बहुत सुंदर आते हैं, अभी इसमें इस टाइम कोई फ्लावर नहीं है, और बड भी नहीं है। इसमें भी बहुत सारे फ्लावर आते हैं, इस वाले में भी। तो आज ये मेरे को दिखाना था कि इतने सारे फ्लावर खिले हुए हैं इतने मल्टी कलर में। ये बहुत सुंदर खिला हुआ था सुबह,
ये भी बहुत प्यारे रंग का फ्लावर आता है जिस दिन खिले। तो चलिए इसके साथ फिर आपको कुछ और भी दिखा देती हूँ। इस फ्लावर का कलर बहुत अच्छा है। जरबेरा भी ऐसा प्लांट है जो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ता है, स्पेशली ये जो येलो और ऑरेंजिश कलर वाला आता है ये बहुत ज्यादा कहते हैं ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये सारे देखिए जरबेराज में फ्लावर्स आ रहे हैं। आते तो हमेशा ही रहते हैं लेकिन आज कुछ ज्यादा नंबर में है तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये देखिए कलांचू और ये आपको इसके पास में दिख रहा है पेंटास। पेंटास के ये देखिए इसके भी ये फ्लावर्स अभी खिलने शुरू हुए हैं। ये पेंटास दिख रहा है आपको। तो ये जो है ये प्लांट्स में आपको अभी ये येलो वाला कलांचू है। ये एक ही साथ लाई थी मैं, सारे कलांचू और जरबेरा एक साथ लेके आई थी। तो ये दिखा देती हूँ मैं अभी आपको और फिर मैं सोच रही हूँ कि एक आधा दिन तक आपको सारे ब्लूम्स एक साथ दोपहर में दिखाऊंगी। क्योंकि देखिए अब क्या है कि अब ये जो ब्लूम्स है ना ये आ रहे हैं, जैसे पोर्चुला का वगैरह मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। उसके बाद आपको वो ऊपर शायद वो नागचंपा भी दिखाई दे रहे ऊपर, ये कितने सारे खिले हुए हैं नागचंपा के भी। अभी शाम बहुत ज्यादा अंधेरा सा होने लग गया है तो ये चलिए यही दिखा देते हैं अभी और अच्छी तरह। तो मैं दोपहर को आपको पोर्चुलाका के साथ बाकी और रोज व्हाइट वाले रोज में भी बहुत फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखिए व्हाइट वाले रोज में फ्लावर्स आ रहे हैं हमारे यहाँ। जैसे मैंने कहा मैंने बैकयार्ड में जो जमीन में रोज लगाए हुए हैं एक दो वो तो लगे हुए हैं और जो गमलों में मैंने रोजेस लगाए हुए थे गर्मियों में उनमें से बस एक दो ही बचे हैं और उनमें से ये व्हाइट में अभी फ्लावर्स आ रहे हैं। अब गमले में हमारे यहाँ छत मेरा टॉप टेरेस पे इतनी गर्मी होती है कि इस बार गर्मी में बहुत गुलाब की बुरी हालत हुई है तो सिर्फ जमीन में जो मैंने लगाए हुए हैं वो लगे हैं। और दूसरी चीज है कि आपको एक बार ना बहुत बड़ा गमला लेना चाहिए रोज। अब मेरे को ये चीज एक्सपीरियंस से पता चली है, मैं इस बार जब भी रोज छत पे लगाऊंगी तो उसमें उसको मैं 16 इंच के गमले में ही लगाऊंगी रोजेस को। और फिर छत पे जो है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है तो उसमें क्या होता है हम पानी देते हैं पौधों को ज्यादा ताकि मतलब नहलाते हैं बार बार ताकि वो गर्मी से बर्दाश्त कर पत्ते नहीं जलें। तो उस ऐसा करने के प्रोसेस में क्या होता है ज्यादा पानी दे दिया जाता है और जो वो पानी जाता है तो गर्मी और मतलब पानी देते हैं तो उससे वो जल जाता है। रोज जो है वो एक्सट्रीम सर्दी गर्मी हमारे यहाँ की मेरे को अभी तक यही एक्सपीरियंस है बर्दाश्त नहीं कर पाता है गमले में और स्पेशली छत पे रखा हुआ। छत पे मेरे यहाँ पूरी 24 आवर्स तो नहीं आप कह सकते 10 आवर्स तक तो इसमें धूप मिलती है यहाँ पर गर्मियों में मेरी छत पे पौधों को तो यहाँ बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। और ये देखिए ये लेंटाना येलो बहुत अच्छे खिले हुए हैं। लेंटाना को भी आप ऐसी जगह रखें जहां उनको हाफ डे सन मिले। कहा जाता है टेक्निकली कि ये इनको पूरे दिन की धूप भी चलती है, जमीन में हो तो पूरे दिन की चलती है। अगर आप गमले वगैरह में लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर गर्म इलाके में रहते हैं तो ऐसी जगह लगा लें जहाँ हाफ डे सन अच्छा सा मिले तो वहां ये बहुत अच्छा ब्लूम करते हैं। छाया में भी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भी ये उसमें ब्लूमिंग हाफ डे में ज्यादा। लेंटाना की एक बहुत स्पेशलिटी है इसमें पॉलिनेटर्स बहुत आते हैं, बर्ड्स वगैरह तितलियां बहुत आती हैं लेंटाना में। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ ब्लूम्स आपको दिखा दिए हैं और कल मैं धूप में सोच रही हूँ अपने पोर्चुलाकाज आपको एक बार दिखा दूं क्योंकि अब देखिए मौसम जा रहा है दिवाली के बाद फिर मैं विंटर फ्लावर्स लगाऊंगी तो फिर एक बार मैं आपको ये दिखा देना चाहती हूँ कि मेरे पोर्चुलाका फिर हटाऊंगी उनको मैं बाद में।
तो एक बार कल हम मिलके पोर्चुलकस को देखेंगे, मैं वीडियो डालूंगी कि किस तरह से ये ब्लूम कर रहे हैं, फिर आपको उसके बाद फिर दिवाली के बाद आपको नए नए पौधों की वीडियोस डालूंगी जो सर्दियों के हैं, और फिर आपको भी मजा आने वाला है नए नए पौधे लगा के। और मुझे तो बहुत आता ही है सर्दियों में, मेरा फेवरेट सीजन है सर्दियों में, जब वो फूल खिलते हैं तरह तरह के, तो बस मेरा मन करता है कि इनके बीच में बैठी रहूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स।